कभी कभी आप ये कहते हैं ना इसके साथ ऐसा हुआ ना तभी से पता चलेगा उसी से रिलेटेड है हमारा आज का idiom. डीएम गेर अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन इसका एग्जैक्टली exactly मतलब यही है जो मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप किसी को कहते हैं कि इसके साथ जब इसके जैसा हुआ ना तो पता चलेगा तो मीनिंग इसका टू गेट ट्रीटेड इन द वे यू हैव बिन ट्रीटिंग अदर्स इट इज़ यूजअली यूज इन अ नेगेटिव वे ठीक है तो अक्सर आप जैसे दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं जब आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होने लगता है तब आप ये ई यूज़ करते हैं एंड इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हों और आपके साथ लोग अच्छे से बिहेव करने लगें तो ये ई यूज़ होगा तब नहीं होता है ये ई यूज़ बिकॉज ऑब्वियसली द वर्ड्स आर गेटिंग द टेस्ट ऑफ़ द मेडिसिन तो मेडिसिन तो हमेशा कड़वी होती है ना इसी से याद रखिएगा नेगेटिव कॉनोटेशन हिंदी में आपके साथ उस तरह का व्यवहार होना जैसे आप दूसरों के साथ करते हैं एंड यूजली इट इज द नेगेटिव बिहेवियर वी आर टॉकिंग अबाउट अभी एग्जाम्पल्स मिलेंगे ना तो एग्जांपल से सब समझ आ जाएगा और इसका मीनिंग यूसेज द वे वी फॉर्म आर सेंटेंस विद द इडियम ऑल ऑफ दैट विल बी क्लियर आउट फर्स्ट एग्जाम्पल ही ऑलवेज फाइन्स फॉल्स विद मी आई एम गोइंग टू गिव हिम अ टेस्ट ऑफ ज ओन मेडिसिन मतलब वो हमेशा मुझमें गलतियां ढूंढते रहते हैं मैं जल्दी ही इनको ऐसे ही बिहेव करके दिखाऊंगी यानी मैं इनमें गलतियां ढूंढ के दिखाऊंगी ताकि इनको पता चले कि कैसे होता है जब आप में कोई कंटिन्यूसली गलतियां ढूंढता है ठीक है गिव हिम अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन सेकेंड एग्जाम्पल वाई डू यू कीप लिसनिंग टू ह यू शुड कंफ्रंट ह एंड गिव हर अ टेस्ट ऑफ़ हर ओन मेडिसिन यानि उसकी क्यों सुनते रहते हो तुम तुम्हें उसका सामना करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि कैसे वो तुमको हमेशा सुनाती रहती है बार बार सुनाती रहती है सो गिव हर अ टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन एक और एग्जाम्पल सो दैट आपके दिमाग में इसका मीनिंग यूसेज बिल्कुल बैठ जाए आई डिफीटेड हर ड्यूरिंग द गेम ऑफ बास्केट बॉल and teased her she surely got a taste of her own medicine basketball game i hope you got it and i hope you are liking easy english please like share and subscribe and thank you so much for watching the videos and subscribing to the channel